हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कल्पना और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली दो सूट सेट का रिव्यू जो कि मैंने परचेज़ किए हैं फ्लिपकार्ट से। तो कैसे हैं ये सूट सेट आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिखाती हूँ फर्स्ट सूट सेट। ये एक्चुअली कुर्ता एंड प्लाजो का सेट है। तो बात करते हैं पहले कुर्ते की, और इसका फैब्रिक मेंशन किया हुआ है विस्कोस रेयन, जो कि काफ़ी अच्छा रिसीव हुआ है। मुझे काफ़ी पसंद आया इसका फैब्रिक, काफ़ी थिक और मतलब अच्छा वाला फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। चलिए फिर दिखा देती हूँ आपको इसका कुर्ता। तो ये आपको फ्रंट में मिल जाता है फॉयल्स मिरर का वर्क के साथ, ये थ्रेड वर्क किया हुआ है थोड़ा सा, साथ में ही लगाई हुई है गोटा पट्टी की लेस और राउंड नेक दिया हुआ है, और साथ में ही ये एक नायरा कट टाइप का कुर्ता है। फ्रंट में आपको थोड़ी सी चुन्नट मिल जाती हैं और साथ में ही थोड़ा सा हाई स्लिट पे इसको इन्होंने ये स्लिट के साथ ये पैटर्न डिज़ाइन किया हुआ है गोटा पट्टी की लेस के साथ, और नीचे की तरफ भी वही डिज़ाइन आपको मिल जाता है। प्रिंट और कलर कॉम्बिनेशन यार मुझे बहुत पसंद आया है सूट सेट का। आई थिंक आप में से भी बहुत लोगों को पसंद आ ही रहा होगा। ये देखो बैक साइड से भी सेम ही प्रिंट मिल जाता है और 3/4 स्लीव दी हुई है, स्लीव पे भी वही गोटा पट्टी से डिज़ाइनिंग मिल जाती है। तो काफ़ी प्यारा ये कुर्ता लगा मुझे, कलर की वजह से तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। काफ़ी मतलब ब्राइट सा निखरता हुआ कलर है, जिसे आप इसको कहीं आने जाने में या फिर फेस्टिवल में घर में गेट टुगेदर में इजीली वेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा लुक आएगा। और इसमें ना दो कलर और भी अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सूट सेट लगा ये मुझे और रेंज भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अफोर्डेबल, आई थिंक 600 के आसपास कुछ पड़ गया है, मैंने मेंशन कर दिया है आपके स्क्रीन पर। और साथ में मिला है इसके ये प्लाजो, जो कि ना फुल इलास्टिक दिया हुआ है, जो मुझे बहुत सही लगता है। इसमें कोई पॉकेट नहीं दी हुई है, फैब्रिक इसका भी वही विस्कोस रेयन दिया हुआ है। ये देख लो ये थोड़ा ना लूज़ में आया है प्लाजो, काफ़ी फ्लैरी और काफ़ी लूज़, मतलब बहुत चौड़ा नहीं है, इसकी चौड़ाई कम है नीचे से, और पहनने में बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और इसकी लेंथ भी ना काफ़ी ज़्यादा दी हुई है, तो अगर आपकी हाइट लंबी है ना तो भी इजीली आपको आराम से आ जाएगा, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा लंबा था, मुझे तो कम से कम इतना मैंने ऊपर से मोड़ दिया था जब ट्राई शूट किया था। तो बहुत सही सूट सेट है ये वाला, अगर आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, मेरी तरफ से बिल्कुल हाँ है सूट सेट के लिए, बहुत अमेजिंग है। बट या इसका आफ्टर वॉश रिव्यू मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन अभी तक तो मुझे बहुत पसंद आया ये सूट सेट, तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं आप। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, और अब दिखाती हूँ ना आज के हॉल का दूसरा सूट सेट। ये एक्चुअली फुल दुपट्टा के साथ सूट है, तो इसका भी मैं पहले आपको ये कुर्ता दिखा देती हूँ। इसका फैब्रिक भी विस्कोस रेयन दिया हुआ है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी मतलब ऐसा है, खड़ा खड़ा नहीं है, काफ़ी ना लटका हुआ सा फैब्रिक है, तो फैब्रिक तो मुझे अच्छा लगा है। नेक लाइन आप देख लीजिए राउंड के साथ, फ्रंट में ना छोटा सा एक बी कट दिया हुआ है, और ये 3/4 स्लीव दी हुई हैं, स्लीव पे इन्होंने ना नेट से ये डिज़ाइन लगाया हुआ है जिसपे एक गोटा पट्टी लगी हुई है। बाकी ये ना प्रिंट किया हुआ है, पूरा ही कुर्ता प्रिंटेड है, ये देखो स्ट्रेट फिट का कुर्ता रहने वाला है। बैक साइड से प्लेन है, बैक साइड में कोई प्रिंट नहीं है, लेकिन ये इन्होंने गोटा पट्टी से ऊपर की तरफ ये छोटे से डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। अब इसमें मैंने लिया है ना स्मॉल साइज़ अपना, जो कि एकदम परफेक्ट आया था ट्राय में, आप देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छा फिट आया है इसका। बट ना इसको मूवमेंट में अगर पहनेंगे, मतलब सिर्फ पहनने में फ़िट काफ़ी अच्छा है, लेकिन बैक साइड से जो आर्म होल्स होते हैं, ये जो बैक साइड है इसकी, यहाँ से मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो मैं कहूँगी कि अगर आप इसे परचेज़ करेंगे तो इसमें अपना एक साइज़ प्लस बाय कीजिएगा। बाकी काफ़ी अच्छा सूट सेट लगा ये मुझे। अब दिखाती हूँ इसका मैं पैंट, एक्चुअली प्लाजो है इसके साथ, ये देखो ब्लैक कलर का ही है, फ्रंट में बेल्ट का लुक है और बैक साइड में इलास्टिक मिल जाती है। इसमें भी कोई पॉकेट नहीं दी हुई है, ये है नॉर्मल प्लाजो। इसके नीचे की तरफ ना इसमें वही नेट से वर्क किया हुआ है और ये गोटा पट्टी लगाई हुई है, और लुक तो आप देख ही चुके हैं ट्रेंड में कैसा आया है। अब इसके साथ मिला है ना दुपट्टे में, इसके कंट्रास्ट में जो प्रिंट है और जो लेस नेट लगाई हुई है ना, उसी का ये दुपट्टा आया हुआ है, जिस वजह से मुझे इसका काफ़ी पसंद आया था इसका कलर कॉम्बिनेशन, तभी मैंने इसे परचेज़ किया है। बट इसका दुपट्टा मुझे गाइस कुछ खास पसंद नहीं आया है, इन्होंने बिल्कुल ना ये नेट है या ऑर्गेन्जा है ये तो मुझे कंफर्म नहीं है,
ये देख लो आप, ये आई थिंक ऑर्गेन्जा टाइप का फैब्रिक दिया हुआ है। चारों की तरफ आपको इसमें ना लेस मिल जाती है गोटा पट्टी वाली, और चौड़ाई लंबाई तो अच्छी ही दी हुई है, बट उसके बावजूद भी ना इतना ज़्यादा खड़ा खड़ा ये कपड़ा है, ये आप देख ही सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना खड़ा खड़ा कपड़ा है ना कि इस बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था इसको कैरी करने में। ना तो मैं इसे शोल्डर पे, ये देख लो आप, ना तो इसे शोल्डर पे कैरी किया जा सकता है, अगर आप सर पे कैरी करते हैं तो ना ही इसे सर पे तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, बाकी ना ही ये गले में हम डाल सकते हैं जैसे नॉर्मली हम कर्ल्स डाल लेती हैं। ये देखो, तो ये दुपट्टा तो बिल्कुल ही मुझे लगता है यूज़लेस है, तो मुझे क्या करना चाहिए, एक्सचेंज कर दूँ क्या इसको? क्योंकि दुपट्टा बिल्कुल ही यूज़लेस दिया हुआ है। तो खैर जो भी है, मैंने आपको बता दिया है, अब आपको परचेस करना है या नहीं ये आपका अपना ओपिनियन है। सूट सेट काफ़ी अच्छा लगा, बस ये दुपट्टा मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। एक्चुअली पसंद आने से कुछ नहीं होता है, यूज़लेस है, पसंद आके भी कोई फ़ायदा नहीं है इसका, तो खैर क्या कर सकते हैं। फिर भी मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए फिर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई है और आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहले बनाए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ एक और नए और अमेजिंग हॉल वीडियो के साथ। लेकिन हाँ, जाने से पहले अगर आपको ये सूट पसंद आ रहा है तो इसका हॉल भी बहुत जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो उसके लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि ये जब वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो बहुत जल्दी आने वाला है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर आपको इसका भी रिव्यू जानना है। चलिए फिर अब लेती हूँ विदा आपसे और करती हूँ बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।